हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक राजस्थानी। आई होप आप सब अच्छे से रह रहे होंगे। तो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैंने मेहंदी से बड़े बड़े फ्लावर्स बना रखे हैं। तो आज हम फिलिंग सीखने के लिए हमेशा की तरह बॉक्सेस बना के बहुत सारी फिलिंग नहीं सीखेंगे, हम फ्लावर्स में ही फिलिंग करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि शेप में जो हमें फिलिंग है उसे कैसे फिल करना है, अगर कोई डिफरेंट कर्व है तो वहाँ पे फिलिंग को कैसे एडजस्ट करना है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस हेल्पफुल वीडियो होगी, तो आप इसे ज़रूर करें। और बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि फ्लावर्स में हम सिर्फ फ्लोरल फिलिंग ही करेंगे, जैसे आगे अगर लाइन्स वाली फिलिंग और चेक्स आएगी तो मैं उसके लिए एक डिफरेंट चीज़ लेके आऊँगी, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पर इस वीडियो के लिए हमें फ्लावर्स में सारी फ्लोरल फिलिंग्स करनी है। आप चाहें तो करीब मैंने आपको 10 टू 11 फिलिंग्स कराई थी, वही फिलिंग्स हम फिर से करेंगे, तो उन्हें हम दो दो बार बनाएंगे हर पेटल में। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं सारे फ्लावर्स में फिलिंग नहीं करूँगी, सिर्फ एक में ही करके आपको बताऊँगी। प्लीज़ डोंट माइंड, आज का जो मेरा कोन है वो बहुत ही ज़्यादा लीक कर रहा है। एक्चुअली उसमें बहुत ही ज़्यादा पतली मेहंदी है, उससे फिलिंग्स थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, फिलिंग ख़राब हो रही है। तो आप ध्यान रखिए कि आप जो भी कोन ले उसमें जो मेहंदी हो वो थोड़ी मोटी हो, क्योंकि मैं यूजुअली वही यूज़ करती हूँ। ये कई बार समर्स में जब कोन हम बाहर रख देते हैं तो वो ज़्यादा मेल्ट हो जाता है, तो आज मेरे पास यही कोन अवेलेबल था इससे मैंने इससे ही बनाई है। तो आपको मैंने जितनी भी फिलिंग सिखा रखी है आप उनको देख देख के इन पेटल्स में फिल कर सकते हो, चेक्स भी फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थॉट कि मैंने आपको फ्लोरल पहले सिखाई थी तो कौन से भी मैं आपको फ्लोरल पहले ही सिखाऊं। और आप भी फ्लावर की जगह कोई भी ऐसा पैटर्न ले सकते हैं फिलिंग्स के लिए। ये बिल्कुल ही एक ऐसा नहीं है कोई रूल है हमें इसमें करनी है, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि अगर हम किसी और चीज़ में फिलिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी कर सकते हैं इसमें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल बॉक्स बना के भी फिलिंग कर सकते हो। तो इसमें आपको जैसे पेटल्स ज़्यादा हैं तो हम डबल डबल बार जो फिलिंग है हमारी एक उसको बनाएंगे। और ध्यान ये रखिए कि बिल्कुल बारीक और पास पास और अच्छी मेहंदी होनी चाहिए। और जैसा कि इस वीडियो में मेरा कोन थोड़ा अच्छा नहीं है तो आप प्लीज़ एक अच्छा सा कोन लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हमारा कोन ख़राब होता है उस वजह से हमारी फीलिंग्स ख़राब हो जाती है और हम बेमतलब में डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें डीमोटिवेट तो कभी नहीं रहना है, तो आप अच्छा कोन लो ताकि आप जब भी फिलिंग करो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि वाओ मैंने बहुत अच्छी मेहंदी बनाई है, मैंने बहुत अच्छी फिलिंग की है। तो ऐसे ही आपको सारी पेटल्स में करना है। मैं पूरी नहीं दिखाऊंगी, मैंने आपको बताया वीडियो लॉन्ग हो सकती है और लॉन्ग वीडियोस बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती हैं, तो आप ये सारी फिलिंग्स को इस टाइप से बना लो। और आपने ये भी देखा होगा कि मैंने मेरे चैनल पर आर्ट का जो पार्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है, वो इसलिए क्योंकि मेहंदी एक बहुत ही एक सिंपल एक पर्टिकुलर चीज़ जाती है। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे आर्ट आता है तो क्यों ना मैं इसी चैनल में इंट्रोड्यूस कर दूँ। तो आप आर्ट की वीडियोस भी देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। जो भी व्यूअर्स है, मैंने आर्ट की वीडियोस भी शुरू की है, मैंने आई थिंक 4 कार्ड्स बनाए हैं, मतलब 4 शीट वर्क किया है उसमें, तो आप जाके उसे देख सकते हो। मैंने फादर्स डे के लिए बनाया भी था और 2 नॉर्मल कार्ड्स भी बनाए थे, तो वो एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस रहेंगी आपके लिए। आप प्लीज़ उनको जाके देखिए और आगे मेरे इस काम को अप्रिशिएट करो ताकि मैं बहुत सारी आर्ट की वीडियोस प्लस मेहंदी की वीडियोस लाऊं। आप चाहें तो इन फ्लोरल पेटल्स में रिवर्स एलिमेंट भी फिल कर सकते हो, पर क्योंकि वो मेरी सबसे लास्ट टाइप की फिलिंग थी इसलिए मैं उसके लिए एक नई चीज़ लाऊंगी, तो हम उसमें करेंगे। अदरवाइज़ आप इसमें आपकी मन मुताबिक कोई सी भी फिलिंग कर सकते हो जो आपको लगता हो कि हार्ड है और उसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। इनफैक्ट आप पूरे के पूरे फ्लावर में ही एक फिलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत लोगों को स्पायरल्स में प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक ये पेटल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आप इसमें स्पायरल्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना कि आपको आज का ये आइडिया कैसा लगा किसी भी पैटर्न में फिल करने का, ताकि आगे भी मैं इसी टाइप की और चीज़ें लाऊं जो आपके इंटरेस्टिंग हो। तो आज के लिए बस इतनी सी ही वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल।